वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम SPSS पे क्वेश्चन ईयर की डेटा एंट्री इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन ईयर है। क्वेश्चन ईयर को टाइप करने के लिए SPSS पे आए वेरिएबल व्यू। सबसे पहले हम क्वेश्चन ईयर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो हम वेरिएबल का नेम असाइन करना चाहते हो उनको अंडरलाइन कर लें। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो इसमें नेम को हम एज अ वेरिएबल राइट करेंगे। यहाँ पे आप नेम टाइप करें। अब नेम क्योंकि टेक्सचर फॉर्म में होता है तो इसके लिए जो टाइप सेलेक्ट करेंगे वो स्ट्रिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट है विथ का कॉलम, क्योंकि नेम में लेटर्स ज्यादा भी हो सकते हैं तो इसके लिए हम विथ को इंक्रीज कर लेंगे। डेसिमल है, जीरो डेसिमल बिकॉज स्ट्रक्चरल फॉर्म में कोई डेसिमल नहीं होता। लेबल में हम अपना पूरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम, लेबल को आप इंक्रीज कर सकते हो इस कॉलम को। इससे नेक्स्ट है वैल्यूज का कॉलम, क्योंकि नेम है तो नेम में कोई वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। मिसिंग में नो वैल्यू मिसिंग। कॉलम, यहाँ से हम कॉलम का साइज इंक्रीज करते हैं जो कि डेटा व्यू में शो होता है। अलाइनमेंट आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। नेम है तो इसको नॉमिनल मेजरमेंट पे ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज योर एज, एज वेरिएबल है, इसको टाइप करें। एज न्यूमेरिक फॉर्म में ही होती है तो इसलिए इसको न्यूमेरिक ही रहने दें। यहाँ पे विथ इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। डेसिमल को जीरो कर दें और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हो व्हाट इज योर एज। वैल्यूज नन, मिसिंग वैल्यू कोई भी नहीं है। अलाइनमेंट एंड यहाँ से मेजरमेंट स्केल इंपॉर्टेंट है। एज क्योंकि स्केल फॉर्म में होती है तो इसलिए स्केल को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्डरिंग शो हो रही है, मोर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड वेरी डिससेटिस्फाइड। तो क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल नेम है उसको हम लिटरेसी राइट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लिक ओके। आप यहां से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करें और यहां लेबल में पेस्ट कर दें। अब यहां पे हम वैल्यूज में असाइन करेंगे, क्योंकि SPSS में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में SPSS वैल्यूज को एनालाइज करता है, वर्ड्स को नहीं, तो इसलिए हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल वन फॉर वेरी सेटिस्फाइड एड कर दें, टू फॉर सेटिस्फाइड, थ्री फॉर वेरी डिससेटिस्फाइड, एंड फोर फॉर डिससेटिस्फाइड एड कर दें, क्लिक ओके। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये जो वेरिएबल है वो ऑर्डर शो कर रहा है तो इसलिए हम इसको ऑर्डिनल को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ईयर को टाइप करते हुए ये तीन चार चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि हम जो टाइप है उसको ध्यान से उसको क्लिक करना पड़ता है कि अगर टेक्सचर फॉर्म में है तो स्ट्रिंग पे करेंगे, अगर स्केल फॉर्म में हो तो उसके लिए न्यूमेरिक को क्लिक किया जाता है। उसके बाद है कि अगर हम विथ को इंक्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे नेम में लेटर्स ज्यादा होते हैं तो अगर हम यहाँ से विथ को इंक्रीज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप डाटा व्यू में नेम राइट करोगे अगर उसके लेटर्स ज्यादा होंगे तो आप उसको टाइप नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ से वेरिएबल व्यू से इसको विथ को इंक्रीज किया होगा तो आप इजी जो भी नेम हो आप उसको टाइप कर सकते हो। उसके बाद लेबल है, तो लेबल में आपने पूरे का पूरा अपना क्वेश्चन टाइप करना होता है। उसके बाद वैल्यूज है, अगर तो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो उसके लिए वैल्यूज को असाइन नहीं किया जाता। अगर इस तरह से कोई ऑर्डरिंग शो हो रही हो तो आप उसके लिए वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था। उसके बाद ये जो हमारे पास मेजर का कॉलम होता है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मेजरमेंट स्केल को चूज करना होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या फिर स्केल वेरिएबल है। तो
उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन एयर की डाटा एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।